बोला अभी, फिर से बोल। तू क्या बोल रही है, तू छुप रही है बाथरूम में, प्लीज बोल। क्या छिपकली की क्या हुई है? डिलीवरी हुई है। छिपकली की डिलीवरी? छोटे छोटे बच्चे दिख रहे उसके, इसलिए। अभी मैंने छोटे भैया के रूम में देखा। छोटे भैया के कमरे में छिपकली? हाँ अभी मैंने, वो भी इतनी इतनी सी। अरे राम, वो मैं उसको डर गई थी, वो मुझे डर के भाग गया। उसको लगा था इतना बड़ा जानवर मुझे खाने के लिए आया। उसको नहीं पता ना कि इतना बड़ा जानवर को इतनी सी छिपकली को इतना डरता है। तो तुझे कैसे पता हुआ कि डिलीवरी हुई? मतलब क्या था? ऐसे बोलते जैसे अस्पताल खोला छोटा सा वहाँ पर, और वहाँ पर डिलीवरी। वो छोटे छोटे से है ना इसलिए। तो कितने हैं? इतने से हैं। बट कितने हैं? उस दिन अपने किचन में एक था, अभी छोटे भैया के रूम में एक था, उस दिन आपके भी रूम में से नहीं निकला था। तो छिपकली तो सब घरों में होती है, मड आइलैंड के घरों में तो स्पेशली ज्यादा ही होती है, सांप छिपकली ये सब। घरों में बाहर ठीक है, घरों में नहीं। सांप तो घर के बाहर ठीक है, छिपकली तो घर के अंदर। अपने गार्डन में उनकी पूरी खानदानी। किन की? सांपों की। तो उन्हें नाम रखे हैं क्या उनके? क्योंकि कभी इतना दिखता है, कभी इतना दिखता है, कभी इतना दिखता है, इसलिए वो पूरी खानदानी अपने घर पर। हमारे फैमिली मेंबर्स है ना? हाँ, वो भी अपने फैमिली मेंबर्स है। अच्छा है वो चाइना में नहीं भी चल गए तो वहां तो आज तक वो जिंदा भी नहीं रहती। सही बोला, खा लेते वो। सही बोला तू। वही तो, अपनी तो भी पिक्चर जिंदा है अच्छी। आई नो, हम तो उन्हें जाने देते हैं ना, हम लोग तो ना उनको मारते थोड़ी ना है। मारते मतलब हम लोग ही डर के मर जाएंगे, उनको मारने का सूरत उनको कहां से मारेंगे। ओके, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट। और भैया को पता है कि वो छोटे छोटे छिपकली की डिलीवरी हुई है वहाँ पर उसके कमरे में? छोटे भैया बड़े भैया के रूम में, हम लोग आप भी उधर रूम फाइनल करके आ गए, कपड़े का सब कपड़े विपड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थोड़े से रह गए तो वो भैया निकलने में, तब तक खाना खाने गई थी ना। अच्छा, तो थोड़ा सा जो बाकी रह गए हैं। अच्छा, तो वो अभी कल जूतों का। अच्छा, आज तो बाकी के कपड़े रखती है। और ये क्या है तेरे हाथ? और जो कपड़े मतलब उनको नहीं चाहिए ना, उन्होंने वो निकाल के रखे, तो अभी आप डिसाइड कर लो वो क्या करने है उनका। हाँ। इसको देना है या सर को फिटाएंगे तो सर को देना है या कुछ करना है। अच्छा, बड़े भैया के कपड़े सर को कैसे फिटाएंगे भाग्यश्री? कुछ कुछ बड़े बड़े है ना। कितने बड़े? और सर भी फिटर फाइन है, सर का मोटे है। हाँ, बिल्कुल भी मोटे नहीं है। और अगर तू ऐसा बोलेगी कि मोटे हैं तो फिर सर तेरे को इतना डांटेंगे। अगर मोटे होते तो मैं बोल देती हाँ मोटे, पर मोटे नहीं है तेरे। तो पर तेरे जितना पतला तो कोई नहीं हो सकता भाग्यश्री। हाँ, आपको ऐसा लगता है? मैं तो इतना बड़ा जानवर जानवर वो डायनासोर के डायनासोर भाग्यश्री डायनासोर चले गए मुझे छोड़। भाग्यश्री यू किलिंग इट। फाइनली सर को खुल के हंसी तो आएगी इस बार। सर हंसे है ना? हाँ, रंगा खुश हुआ आज। आज रंगा खुश हुआ, खुश हुआ। चलो आज मैंने सर को खुश कर दिया। वेरी गुड, तुझे बोनस मिलेगा इस बात का। सर कितना? अब बोल दे। 100 रुपया फक्त? क्या स्माइल से फक्त 100 रुपए? कितना? 100 रुपए पर डे। ओ, बाकी से क्या बोला मुझे समझ नहीं है। कितने रुपए? 100 रुपए मतलब 100 रुपए। ओह, बहुत सस्ती स्माइल है इनकी। नहीं, भाग्यश्री बोलते मुझे नहीं चाहिए। इतनी सस्ती स्माइल सर, इतना मुश्किल से मैंने आपको हंसाया सर, खुद को डायनासोर। भाग्यश्री तूने मेरे पेट में दर्द करा दिया हंस हंस के। सुपर सर, इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा भाव बढ़ा दो। गुड नाइट, शुभ रात्रि। भाग्यश्री जी, मैंने तेरा जो पोस्ट किया ना, हाँ, उस पे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, तो लोग कितने तेरे लिए कमेंट्स देते हैं। इतनी अच्छी सारी बातें बोलते हैं, बोलते हैं हमारे लॉकडाउन में कितना मतलब खुशी लाई है भाग्यश्री। तो कर पाए। और कि मस्ती भरी बातें करती है। और तो तुझे कैसा लगता है सुनकर?
अभी हम इसका तो बोल नहीं सकते कितना हैप्पीनेस हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने किसी को मतलब लॉकडाउन में खुश रखने की कोशिश की और वो तो सारा श्रेय आपको जाता है। अरे नहीं यार क्योंकि आपसे सीखा है ना हमने लोगों को हंसाना कुछ भी मतलब नहीं, क्या कॉमेडी अगर वो ठीक भी ना हो तो उस पे हंसना तू मेरी राज की बातें खोल रही है भाग्यश्री नहीं पर आप किसी का दिल नहीं दुखाते उनको so मतलब कि हाँ आपने अच्छा किया है तो उनको भी खुशी हो जाती है और तसल्ली मिल जाती है कि वो इससे भी बेटर कर सकते हैं। माय गॉड भाग्यश्री और एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। भाग्यश्री तू ना तू कितनी क्लास पास है? तीसरी। तीसरी? आर यू हियरिंग दैट फोक्स? थर्ड पास ओनली, थर्ड स्टैंडर्ड एंड देन शी टॉक सो सेंसिबली। तू इतनी समझदारी की बातें करती है और तू इतनी मतलब इतने तो एजुकेटेड बहुत सारे बहुत जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं ना वो भी ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, भी आपका देख देख के सीख गई क्या अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है ये भी आपसे ही हमने सीखा है। पहले तो मम्मा पापा से सीखा है उसके बाद तो आप ही मिले हो इसलिए। लेकिन ना तू मेरी तारीफ करती तो ऐसा ना लगे कि अरे यार भाग्यश्री मैडम की तारीफ। इसमें कोई झूठ नहीं है शक नहीं है जो रियल है वही बोल रहे हैं। यहाँ पे हमके शूट नहीं कर रहे हैं क्या ये नहीं लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन ये पोस्ट ये जो वीडियो में ले रही हूँ ये एक्चुअली मैं लोगों को दिखा रही हूँ लेकिन जो तू बोल रही है वो मैं स्क्रिप्ट नहीं है। लोगों को पता लगा कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो दिल से और सच्ची में अच्छे से बोल रही हूँ क्योंकि मेरी मैडम है क्यूट और एकदम सुंदर और मेरी भाग्यश्री है उससे भी ज्यादा क्यूट और उससे भी ज्यादा अच्छी। आभारी आहो देख मैंने तूने मुझे सिखा दिया ये नया वर्ड ना आभारी आहो। सर नहीं हमारे सर भी बहुत स्वीट है। अभी सर दिख गए तुझे तो सर के बारे में तू तो सर के पीछे पड़ी रहती है। नहीं मैं सर को बस खाली हंसाने की कोशिश करती हूँ हाँ। क्योंकि सर भी अभी थोड़े टेंस में ना वो कोरोना वायरस के वजह से और वो बाहर वो खाना वाना देने जा रहा हाँ, और इतना सर कर रहे सबके लिए खाना बाहर जाना भी नहीं वो रिक्स उठा के दूसरों को पेट भरने के लिए इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं वो मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। और मैंने उस दिन सर को शुक्रिया भी बोला सर बोले so कि ये मैं दिखावा के लिए कर रहा हूँ कि सच्ची में लोगों को पेट भरे और अच्छा हो यही बस खाली सर ने कोशिश की है। नहीं और तो आपने भी तो तू हंसाने की कोशिश कर रही है सर तो वही अभी वो इतना कर सकते तो हम इतना नहीं कर सकते। सर अभी भी हंसे नहीं देखो नहीं हंस रहे किधर छुपे हुए ना कोने में कमरे के। सर सच्ची में आपको कुछ नाराज की मेरे से आप है तो वो मुझे क्लियर बोल दो सर चुप है क्योंकि वो बोल रहे कि मेरे को वीडियो में नहीं आ रहा है तेरे क्यों सर मैं इतनी बुरी हूँ। अरे देखा हाँ सर अच्छा इशारे से बात कर रहे हैं सर तेरे से क्या बोल रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं तू इशारा कर ऐसे बोल रहे अच्छा ऐसे कर चल मैं वीडियो बंद करती हूँ वरना सर सर आप सीरियस हो रहे क्यों हंस रही है भाग्यश्री क्यों हंस रही है तू बता मुझे क्या बोला मैंने नहीं वो टीवी क्या अभी नहीं बोला था क्या अरे वो सावा अच्छा कोरोना तो उसमें हंसती क्या बात है तो ऐसे जोक कर रहा है तो इधर इतना सीरियस हम लोग ये कर रहे और वो इतना जोक करके बोल रहे वो सीरियस तू तो सीरियस नहीं है नहीं मैं तो एनी टाइम हैप्पी हूँ। एनी टाइम हैप्पी है एनी टाइम कैसे करती है तू ये कैसे करती है तू एनी टाइम हैप्पी ये बता दे ये राज सबको पूरी दुनिया को आज बता दे तू इसमें भी राज होता है हाँ राज ही होता है ना बिकॉज लोग बोल रहे हैं कि अरे यहाँ तो बहुत दुख की बात है और पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड अगर इंसान हैप्पी फैमिली में रहेगा तो हैप्पी रहेगा। ओ थैंक यू भाग्यश्री तेरे जवाबों का कोई जवाब नहीं। अमेजिंग हाजिर जवाब भाग्यश्री। और मैंने बूंदी बनाई ये टिक्की नहीं है तो ये टिक्की तो मैंने टिक्की पापड़ी है हाँ वही पापड़ी अच्छा। मैं तो टिक्की बोलती उसको और मैंने बूंदी भी बनाई। तूने बनाई बूंदी हाँ अच्छा देखिए किसने सिखाया तुझे वो तो मैं ऐसे ही सीख गई किसी को तो ट्राई करने गई थी हाँ। वो अच्छी बन गई बोला चलो ट्राई करना बुरी बात नहीं है इसलिए तो आज ये पहली बार बनाई है मैंने हाँ
मेरे को लगा अच्छी बनेगी कि नहीं, चलो मैडम से पूछ लेती हूँ। तो डिनर में ये डिनर में आज स्पेशल चाट है। अच्छा। और आलू गोभी की भाजी है। हाँ, और तुवर की दाल है। हाँ, तुवर की दाल है। हाँ, बस और कुछ नहीं। बस और कुछ नहीं है ना। हाँ, अरे काफी है। काफी मतलब स्पेशल चाट है तो वो काफी है। यम यम। तुझे चाट पसंद है? या यू लाइक चाट भाग्यश्री? आई लाइक इट। आई लव इट। बोल आई लव इट। आई वी लव यू भाग्यश्री। बाय। गोइंग फॉर माय वॉक। ब्यूटिफुल ना दिस इज। ओ गॉड दिस इज अमेजिंग हाउ नेचर जस्ट शाइन्स फ्रॉम ऊपर एंड देन नीचे and then look at that kachra there. Mm-mm. We can't do anything about that. Nature showers from upar and then we have to lagao jhadu niche. Okay, time for my walk. Hi guys. Okay, kuch ho raha hai yahan par. Kya ho raha hai? Ye kya kar rahe hain log? Raj, kya kar rahe ho tum? Acha, exercise ka saman. Aaj kuch special exercise hone wali hai. Acha, bhaiya ki. To chote bhaiya aaya nahi. छोटे भैया भी आएंगे, वो लग गए। अच्छा, मॉम इज देयर। मॉम, आज आप जल्दी आकर बैठ गई हो हम सबसे पहले। सोचा पानी दूर थोड़ा। हाँ, हाँ, बिकॉज अभी आपने कल भी दिया है ना, परसों दिया है। गर्मी लग रही है आपको? बहुत ज्यादा। आप आदत नहीं है ना, अभी थोड़ी गर्मी होने लगी है। 37 थोड़ी गर्मी, 37 इज द बॉम्बे का। यू आर हॉरिफाइड है ना? हॉरिफाइड। कोई चीज की तकलीफ नहीं गर्मी के अलावा। मम्मी, आपको देहरादून में रहने की आदत है जहाँ पर हमेशा मौसम इतना अच्छा रहता है ना? बेटा 50-60 साल 65 साल रही हूँ। आई नो एंड नाउ सडनली यू हैव टू। हाँ, भी यार एसी है। I can't say कि I have any problem. I know we have no problem. And we are walking. Okay, guys. मेरे दोनों डॉगीज, नहीं ये वाले डॉगीज नहीं, ये डॉगीज यहाँ पर। कम पैच, ये वाले डॉगीज ये भी है यहाँ पर।